हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं गैलेक्सी A03 कोर में सेफ फोल्डर फीचर कैसे एक्टिवेट किया जाता है। बेसिकली सेफ फोल्डर फीचर क्या है? ये आपके फ़ोन के अंदर में जो भी प्राइवेट डेटा है उसे हाइड करने का काम करता है। इसे कैसे कॉन्फ़िगर करना है ये जानते हैं। सबसे पहले आप फाइल्स ऑप्शन में जाएंगे, और फाइल्स ऑप्शन में जब आप नीचे की ओर जाएंगे तो सेफ फोल्डर नाम का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको एक पिन या फिर पैटर्न डालनी पड़ेगी जो आपको पता होगा, और सिर्फ आप ही अनलॉक कर सकते हैं। तो सपोज करिए मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 पिन डाल दिया है, अब ये क्रिएट हो चुका है। अब मेरे पास अगर कोई प्राइवेट डेटा है, सपोज कीजिए मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं आपको, मैं इस फोटोग्राफ को यहाँ से हाइड करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ ये गैलरी में शो करे। तो मैंने फोटोग्राफ को सेलेक्ट कर लिया और ऊपर में जो बने हुए कॉर्नर्स पे 3 डॉट ऑप्शन है, इसमें जाऊँगा तो यहाँ मुझे मूव टू सेफ फोल्डर का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये फिर से मुझसे पिन पूछेगा, मैं अपना पिन डाल देता हूँ, और जैसे ही मैंने पिन डाला ये फोटोग्राफ यहाँ से मूव हो चुका है। अब ये फोटोग्राफ जा करके सेफ फोल्डर में सेव हो गया, अब मेरे अलावा कोई इसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। यहाँ पे सेफ फोल्डर दिख रहा है इसलिए अगर आपका फ़ोन किसी के पास होगा तो वो बंदा हो सकता है आपके सेफ फोल्डर को खोलने का कोशिश भी करे। लेकिन आपके पास एक और ऑप्शन भी, आप चाहें तो सेफ फोल्डर को हाइड भी कर सकते हैं। अब जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड सेफ फोल्डर का ऑप्शन है। इस तरह से आप सेफ फोल्डर को हाइड भी कर सकते हैं, दिखेगा भी नहीं, आपके अलावा कोई और भी नहीं जान सकता है कि आपका कोई प्राइवेट डेटा कहीं पे छुपा हुआ है और हाइड किया हुआ है। अगर आप फिर से सेफ फोल्डर को शो करना चाहते हैं आप यहाँ पे क्लिक करें और फिर सेफ फोल्डर को ऑन कर सकते हैं। इस तरह से आप इतने कम प्राइस में एक बेस्ट सिक्योरिटी फीचर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में सब कोई अपने प्राइवेट डेटा को प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है। थैंक यू।